आजकल अगर कोई शादी करना चाहता है तो हर कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट का सहारा लेता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब वेबसाइट को दूल्हा नहीं मिला तो उसे जुर्माना देना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह चहल और उनकी पत्नी नरेंद्र कौर चहल ने 6 दिसंबर 2018 को चंडीगढ़ उपभोक्ता अदालत में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 2017 में चहल परिवार अपनी बेटी के लिए मेडिकल अफसर या डॉक्टर ढूंढ रहे थे, जो कि जाट हो और मांगलिक की तलाश भी कर रहे थे, और मैट्रिमोनियल एजेंसी ने चहल परिवार को ये वादा किया कि वो ऐसा लड़का उन्हें ढूंढ के जरूर देंगे। चहल परिवार ने 26 सितंबर 2017 को 50,000 रुपए देकर एग्रीमेंट किया और रॉयल पैकेज मेंबर बन गए, और साथ ही अब एजेंसी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि उन्होंने ऐसे प्रोफाइल के बहुत से लड़के दिखाए हैं, लेकिन उन्होंने उससे रिजेक्ट कर दिया, और बाद में उन्होंने जितने भी लड़के दिखाए हैं उनके लिए उन्होंने उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए हैं। पर अब अदालत ने फैसला सुनाया है कि मैट्रिमोनियल एजेंसी ने ग्राहक का समय और पैसा खराब किया है और ना कोई लड़के से इनकी कोई मुलाकात करवाई है, जिसके चलते 50,000 रुपए और 9% ब्याज के साथ और 7,000 रुपए साल का नुकसान की भरपाई करने को कहा है, और साथ ही 5,000 रुपए कानूनी फीस के जुर्माना चुकाने को भी कहा है। और तब एजेंसी वैसा लड़का नहीं ढूंढ पाई जब फैमिली ने उन्हें बताया था, जैसे उन्हें प्रोफाइल बताई थी, तब एजेंसी ने क्या किया कि फैमिली से परमिशन ली कि वो 60 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दे, और ये परमिशन भी उन्हें मिल गई, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं ढूंढ पाई। और काफी टाइम बीत जाने के बाद जब चहल फैमिली ने उन्हें एक नोटिस भेजा कि उन्हें लड़का नहीं आपने ढूंढ के दिया है, तब भी वो नोटिस जो है एजेंसी ने सीरियस नहीं लिया, और तब जाके चहल फैमिली ने उपभोक्ता अदालत में एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए लुधियाना लाइव के साथ।